दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष और पूर्व मेयर राजा इकबाल सिंह एवं दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आप नेता दुर्गेश पाठक और मेयर डॉक्टर शीली ओब्राय द्वारा संपत्ति कर राजस्व बढ़ाने पर दिए गए बयान को भ्रामक एवं आंकड़ों का खेल बताया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने राजस्व बढ़ाने के लिए न सिर्फ संपत्ति कर फैक्टरों में वृद्धि की, छूट की दरों को 15% से घटाकर 10% किया, बल्कि संपत्ति कर विभाग से व्यापारिक एवं नागरिक संगठनों पर दबाव डाला। बता दें, सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम जनता पर अतिरिक्त संपत्ति का बोझ डालकर संपत्ति कर में बढ़ोतरी की वाहवाही लूटने का कार्य कर रही है। आप इस बात की शाबाशी लेना चाहते हैं कि उनके प्रयासों से दिल्ली नगर निगम में पहली तिमाही में संपत्ति कर के रूप में 1113 करोड़ रुपए प्राप्त किए, जबकि आम आदमी पार्टी नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ डालकर उनकी गाड़ी कमाई लूटने का कार्य कर रही है। बता दें कि राजा इकबाल सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने ऑक्यूपेंसी फैक्टर, एज फैक्टर समेत सभी फैक्टरों को बढ़ाकर कहीं 10% तो कहीं 20% संपत्ति कर में बढ़ोतरी कर दी। इस बढ़ोतरी से जनता पर अतिरिक्त कर का बोझ पड़ा है और नागरिक किसी भी तरीके से इस बढ़ोतरी से खुश नहीं है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जब तक निगम में थी तब तक नागरिकों पर अतिरिक्त कर का बोझ नहीं बढ़ने दिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आते ही नागरिकों पर करों का बोझ डाल दिया। पहले जहां नागरिकों का मात्र 900 रुपए संपत्ति कर आता था, वहां उन्हें अतिरिक्त कर के कारण 2600 रुपए संपत्ति कर के रूप में देना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी पहले भाजपा पर आरोप लगाती थी, वहीं अब ये लोग जनता की गाड़ी कमाई से मुख्यमंत्री का शीश महल बनवा रहे हैं। पहले ये लोग कहते थे ना हम सरकारी गाड़ी लेंगे ना सरकारी बंगला लेंगे, अब ये लोग धीरे धीरे जनता के पैसों से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि स्थायी समिति न होने से नगर निगम के विकास एवं प्रशासनिक कार्य ठप है। संपत्ति कर राजस्व देने वाली जनता आम आदमी पार्टी एवं महापौर से जानना चाहती है कि पार्कों का, सड़कों का रखरखाव क्यों नहीं हो रहा, निगम ने नालियों एवं नालों की सफाई क्यों नहीं कराई, जिसकी वजह से हल्की बारिश में भी सड़कों पर जल भराव हो जाता है।